हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी शिक्षा। दिस इज आरती चौधरी। सभी को वेरी गुड इवनिंग। राधे राधे, राम राम। हाँ भाई, सभी को बिल्कुल ऑडियो वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? एक बार कमेंट कर दो कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को जोरदार तरीके से शेयर करो, 300+ लेके जाओ। ठीक है, आप लोगों को पता होता है टारगेट। फटाफट से जोरदार तरीके से क्लास को कर दो शेयर। ओके, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाओ भाई, सारे के सारे जल्दी कनेक्ट हो जाओ। सब क्लियर है मैम? ओके, देखो बच्चा, आज जो हम यहां पर कवर करेंगे ना, वो है आपका क्या कि आपका कल और आज के जो एनटीपीसी के एग्जाम में जो आपका जीके वाला पार्ट है, ठीक है, वो सारा का सारा हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। और देखो, पता है क्या, मैं आपसे साफ बोलती हूँ, डेली बोलती हूँ कि भाई देखो, जो आपके एनटीपीसी में ना जो क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है, अभी आपका ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है, वहां पर भी ये क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, मतलब आगे आने वाले जो आपके क्वेश्चन पेपर जितने भी होंगे, जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, उन सब में आपके ये सारे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। दूसरी बात, आपको एक सिनेरियो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपको सारे के सारे, मतलब इंडिया का जो मैप है दिमाग में होना चाहिए, सबके सीएम यानी कि सबके आपके चीफ मिनिस्टर और सबके आपके गवर्नर्स, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोगों के ना दिमाग में होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में पूछा गया है, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, कमेंट सबके आते हैं बच्चा, ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा कमेंट पर आप लोग थोड़ा सा ये सोचा करो कि यार, मैं अगर कमेंट पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, दैट्स मीन कि मैं आपको अच्छा कंटेंट देना चाहती हूँ। मैं क्लास के लास्ट के 10 मिनट में आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ लूंगी, जिसका जो डाउट है वो भी मैं क्लियर कर दूंगी, लेकिन क्लास के टाइम में अगर मैं कमेंट पढ़ूंगी तो आप लोगों का कंटेंट में फिर कोई ना कोई कमी आ जाएगी। ठीक है जी, हेलो हेलो भाई, 300+ लेके जाओ फटाफट। और जो भी बच्चे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके, मैम आज दूसरे फेज का भी एग्जाम सिटी आ गए हैं। ओके भाई, अच्छी बात है। देखो, ये सब चीजें आप लोगों को अपडेट ज्यादा रहते हो, ठीक है, मैं थोड़ा सा कंटेंट पर ज्यादा फोकस करती हूँ आप लोगों के लिए कि कोई गलती ना हो गई हो, ठीक है। फिर भी भाई, अगर कोई कहीं किसी उसमें कंटेंट में या किसी वीडियो में छोटी मोटी गलती हो भी जाया करे, ठीक है, तो अपनी छोटी या बड़ी बहन मानकर माफ कर दिया करो, ठीक है, उसका इश्यू मत बनाया करो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब माइंड बहुत ज्यादा थका होता है या फिर कंटेंट एकदम कॉन्टिन्यूस पढ़ाना होता है, तो वो छोटी मोटी एक दो लाइन ध्यान से निकल जाती है। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। जरा हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं आपका कि सरदार सरोवर डैम, ये आपका आया था पेपर में आज, कि सरदार सरोवर डैम भारत का दूसरा बड़ा बांध है, यह है गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है, यह है गुजरात में नर्मदा नदी पर बना है। क्वेश्चन पूछा गया था कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पर बना है, ठीक है, 2 या 2.5 घंटे की आपकी क्लास होगी, डोंट वरी। ये आपका नर्मदा नदी पर बना है, और याद करो, जब मैंने आप लोगों को नर्मदा रिवर कराई थी, तो तब ये मैंने बात आपको बताई थी कि सरदार सरोवर डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, इसको पढ़ लेना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, इवन मैंने आपको गाँव तलक भी लिखवाए हुए हैं उस वीडियो में, ठीक है। प्लीज जो भी कंटेंट मैंने आप सबको यूट्यूब पर पढ़ाया हुआ है, उसको बार बार रिवाइज कर लो, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चाहे आप लोग अपना लक समझो या फिर मेरी मेहनत समझो, कुछ भी समझो, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। गांधी सागर बांध आपका डैम का निर्माण चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है। चलो हाँ, बिल्कुल भाई, पहले भी आया, मैं तो बोल रही हूँ, रिपीट हो जाते हैं, क्यों नहीं होते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं आपके रिपीट। ओके जी, चलो भाई, सुकन्या समृद्धि योजना को 22 जनवरी 2015 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आरंभ किया गया था। देखो, अभी क्या था, अभी सिर्फ आपसे डेट पूछी गई थी, है ना, अभी क्या पूछा गया था, आपसे सिर्फ डेट पूछी गई थी। ओके जी, अभी आपसे डेट पूछी गई थी, लेकिन अगले वो पेपर में वो आपसे पूछ सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था, आरंभ किसने किया था, तो श्री नरेंद्र मोदी जी ने, या फिर इसकी स्कीम क्या है, या फिर इसकी मैक्सिमम या मिनिमम यूनिट, जो इसकी लिमिट है वो क्या है, ठीक है। देखो, मिनिमम है इसकी कितनी, 250 रुपए, और मैक्सिमम कितनी है इसकी, 1.5 लाख रुपए। सिंपल सी बात है, किस लिए बनाया गया है, कि भाई बेटी को पढ़ाने के लिए, या फिर
ठीक है, उसकी शादी वगैरह करने के लिए, मीन्स एटलीस्ट आपकी क्या है कि बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं, वह इस योजना के अंतर्गत बचत खाता खोल सकते हैं। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो भाई बेटी की पढ़ाई और शादी, मीन्स हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ पर शादी में पैसा लगता है और भाई जिसको बेटी हो गई उसको डोवरी देनी पड़ेगी, है ना। एक तरह से देखा जाए तो ये एक चीज है ऐसी यहाँ पर जिसमें बेटी की पढ़ाई और शादी अगर इंक्लूड है यहाँ पर, ठीक है, तो भाई ये तो मतलब एक तरह से दहेज प्रथा मानते हैं हम लोग एक तरह से, है ना। चलो भाई ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं एक बार जरा। अगला क्वेश्चन आया था यूआरएल का फुल फॉर्म। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यह एक फॉर्मेटिव टेक्स्ट स्ट्रिंग है जिसे कि वेब ब्राउजर, ईमेल, क्लाइंट या किसी अन्य सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल किया जाता है। यूआरएल की फुल फॉर्म मेरे ख्याल से आपके जितने भी अभी तक एनटीपीसी के एग्जाम हुए हैं सभी में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछी गई है। यूआरएल की फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी गई है। ओके, डॉरी मीन्स बेटा आपका दहेज। चलो भाई, यूएसए की झील, ठीक है, आपका क्वेश्चन आया था इनमें से एक झील उस ऑप्शन में थी कि इनमें से कौन सी झील यूएसए की झील है। तो देखो मैंने यहां पर आपके लिए सारी झील कवर करा दी है, ठीक है। आपकी यूएसए की झील क्या होती है, सुपीरियर झील भी है, मिशिगन झील भी है, ठीक है, आपकी हुरान झील भी है, एरी झील भी है, ओंटारियो झील भी है, ये सब क्या है आपकी यूएसए की कुछ मेन झील्स है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, पेरिस में है, ठीक है। फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है। इसे फाउंडेड कब हुआ था, यानी कि स्टैब्लिश कब हुआ था आपका, 16 नवंबर 1945 को। पितरस कहाँ से निकलता है, ठीक है, पितरस कहाँ से बनता है या कहाँ से निकलता है, तो आंसर होगा लीवर, ठीक है। क्यों मैम आपने बनाया था, बताया था कल की क्लास में कि ये बनता है, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, जब बनता होगा तो यहां से निकलकर ही तो गोल ब्लैडर में जाएगा। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई देखो ये इसका क्या होता है, लेफ्ट हेपेटिक, और ये क्या होता है इसका राइट हेपेटिक, ठीक है। अगर उल्टा ऐसे करोगे तो ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला आपका राइट हेपेटिक डक्ट होता है और ये वाला आपका लेफ्ट हेपेटिक डक्ट होता है। दोनों की दोनों मर्ज हो जाती है कॉमन में, ठीक है, दोनों की दोनों ये क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है आगे जाके कॉमन में, और ये कनेक्ट हो जाती है आपकी किससे, जो आपकी गोल ब्लैडर होती है, ठीक है। तो देखो निकल भी तो यहीं से रहा है ना ये आपका, सिंपल सी बात है। पोखरण परीक्षण 1998 को क्या नाम दिया गया था, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है। पोखरण आपका 2 मई को हुआ था, ठीक है, और इसका नाम क्या था, शक्ति, इसका नाम क्या था आपका, शक्ति। और जो 18 मई 1974 को किया था, राजस्थान के पोखरण से ही हुआ था, ये भी राजस्थान के पोखरण से ही हुआ था, ये आपका पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। देखो ये वाला तो मूवी भी बन चुकी है ना, ये वाला हम सबको पता है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि इससे पहले भी एक हुआ था 18 मई 1974 को, ठीक है। पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और इसका नाम था क्या, स्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा। ओके भाई, क्लास को थोड़ा ज्यादा शेयर करो। सूचना का अधिकार किस महीने में आया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 संसद में पारित किया, जिसे 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और अंततः 12 अक्टूबर 2005 को यह कानून जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू किया गया, ठीक है भाई। सूचना का अधिकार आपका कब आया था, 2005 में संसद में पारित किया गया था, फिर उसके बाद में 15 जून को 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 12 अक्टूबर 2005 को सिर्फ जम्मू और कश्मीर में छोड़कर पूरे देश में लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पटना किसकी राजधानी है, सबको पता है बिहार की है। अगला है आपका क्या भाई, देखो मैंने बोला था स्टेट, उनके सीएम गवर्नर बिल्कुल रट लो। हैमिस नेशनल पार्क कहां पर है, लद्दाख में, सही बात है, ये आपका लद्दाख में है। और ये क्या है आपका, सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख एरिया में है, ठीक है। इसका एरिया देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देन उसके बाद में यह क्या है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर भी है, ठीक है। सबसे ऊंचाई पर जो आपका पार्क स्थित है वो कौन सा है, हैमिस नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना आपकी 1981 में की गई थी, इसकी स्थापना आपकी 1981 में की गई थी। पीएच का मान पूछा गया था आपसे, ठीक है, कि जो आपका दूध होता है उसकी पीएच का मान कितना होता है, 6.4, मीन्स वो हल्का सा एसिडिक होता है,
हल्का सा क्या होता है, एसिडिक होता है। इसीलिए क्या होता है, कई बार जब हम दूध पी लेते हैं बहुत ज्यादा, तो कुछ लोग बोलते हैं मेरे को एसिड बन जाता है, मेरे को एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि जो दूध होता है वो थोड़ा सा आपका कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इट मे बी पॉसिबल ना कि वो इनमें से भी किसी की पीएच पूछ ले। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बहुत सारी पीएच लिखी हुई है। नींबू की कितनी होती है आपकी, 2.2 से लेके 2.4 तक। ठीक है, सिरका की 2.5 से लेके 3.4 तक। शराब की 2.8 से लेके 3.8 तक। भाई देखो इसको भी देख लो जरा ध्यान से, ठीक है तुम लोग, है ना, 2.8 से लेके 3.8 तक। ठीक है, यानी कि जो आपका अल्कोहल होता है, शराब होती है, वो भी कैसी होती है, एसिडिक होती है। टमाटर का जूस, ठीक है भाई टाटर ही ऐसे होता है ये आपका। बियर भी देखो, जो आपकी बियर होती है ना, ये भी आपकी कैसी होती है, ये भी आपकी एसिडिक होती है। ठीक है, जो आप लोग पीते हो ना बड़े आराम से, है ना, ये आपकी दोनों एसिडिक होती है, यानी कि एसिड इनकी अमाउंट इनमें ज्यादा होती है। कॉफी क्या होता है आपकी, इसकी भी पीएच देखो, ये भी कैसा है, एसिडिक है। मानव मूत्र यानी कि यूरिया भी देखो, ये कैसा है आपका, एसिडिक है। मानव लार भी आपकी कैसी होती है, देखो ये आपकी एसिडिक टू बेसिक तक जाती है ना, एसिडिक टू बेसिक तक। दूध लिखा हुआ है। मानव रक्त आपका कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, क्योंकि 7 से बड़ा आ गया। शुद्ध जल 7 होता है, बताया हुआ था मैंने आपको पहले भी। समुद्री जल 8.4 बेसिक होता है। और आंसू कैसे होते हैं आपके, बेसिक होते हैं। आंसू कैसे होते हैं आपके, बेसिक होते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन 3 पेपर में आया आपके एनटीपीसी में। सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति आपके नीलम संजीव रेड्डी थे, 3 बार पूछा जा चुका है। मे भी आगे आने वाले जितने भी आपके एग्जाम है वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है, बताया था, याद करो, जो एमपी के मैंने आपको मॉन्यूमेंट्स कराए थे, सिर्फ लिमिटेड मॉन्यूमेंट कराए थे एमपी के, उनमें से मैंने एक सांची का स्तूप आपको कराया था, है ना। सांची का स्तूप ये भी बताया था, मध्य प्रदेश के कौन से आपके जिले में है, रायसेन जिले में है, मध्य प्रदेश में। अब याद कर लो, देख लो भाई, बताया हुआ था। एक बौद्ध स्मारक है, और ये भी बताया था किसने बनवाया था, सम्राट अशोक ने, 3री सदी ईसा पूर्व में पूरा कराया था। सांची स्तूप में बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ष 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा, देखो ये भी बात मैंने आपको बताई थी कि ये एक यूनेस्को साइट बन चुका है, विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, जितना भी कंटेंट मैंने आपको यूट्यूब पर भी कराया है ना, वहां से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये सब वो चीजें हैं जिस बच्चे ने पूरी पूरी क्लास अटेंड कर रखी होंगी ना, जो 4-4, 5-5 घंटे की यूट्यूब पर क्लासेज है। और जरूरी नहीं है भाई आप लोगों के पास में नहीं है 4 घंटे 5 घंटे का टाइम, तो उनको डबल स्पीड में देखो। ठीक है, डबल स्पीड में देखो, उनकी स्पीड बढ़ाकर देखो, आप लोगों का टाइम बचेगा। लेकिन देखो जरूर उन क्लासेस को भाई, वो बहुत बेनिफिशियल है, जिसने ले रखी है उसको पता है। हंसाने वाली गैस, देखो कल भी बताई थी मैंने आपको ये हंसाने वाली गैस, याद करो कल भी बोला था, नाइट्रस ऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड। और कल क्वेश्चन आया था कि इनमें से वो कौन सी गैस है जिससे आपका क्या है, जिसको हम एनेस्थीसिया के तौर पर यूज कर सकते हैं, कल यही था ना आपका क्वेश्चन। और मैंने आपसे बोला था कि हंसाने वाली गैस, अगर आप थोड़ी इसको यूज करोगे तो ये कैसी होगी, आपको हंसी आएगी, लेकिन ज्यादा यूज करोगे तो आपको अनकॉन्शियस कर देगी। लाफिंग गैस या हंसाने वाली गैस का नाम नाइट्रस ऑक्साइड, ये एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, जिसकी खोज एक अंग्रेजी वैज्ञानिक जोजफ प्रिस्टली ने 1793 में की थी। किसने की थी, 1793 में की थी, जोजफ प्रिस्टली ने। ठीक है, आप देखो ये जो क्वेश्चन है, जोजफ प्रिस्टली, ये क्वेश्चन हो गया आपका सीजीएल के लेवल का। ठीक है, ये क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा सीजीएल में, सिंपल सी बात है भाई, सीजीएल में साइंस के और जीके के क्वेश्चन का जो लेवल है वो यूपीएससी से ना थोड़ा सा ही नीचे होता है आपका, ज्यादा अंतर नहीं है उनमें, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पर भी, जो आपका 50 नंबर का जो वो आपका कवर करते हैं वहां पर। ठीक है, जो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं उनमें बहुत अच्छा लेवल होता है आपका। ठीक है, चलो भाई, कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहाँ होंगे, कॉमनवेल्थ गेम आपके 2022 होंगे कहां पर भाई, बर्मिंघम में, कहां पर, बर्मिंघम में होंगे। अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है, बजट से। देखो कुछ अनुच्छेद आपके ऐसे हैं ना जो आपको टिप्स पर होने चाहिए, कुछ पार्ट्स आपके ऐसे हैं जो आपको टिप्स पर होने चाहिए। ठीक है, वो बहुत सारी क्लासेस में मैंने कवर करा भी चुकी हूँ, बहुत सारी क्लासेस में आज भी बहुत सारे हम कवर करेंगे। 112 पहले भी आया हुआ है आपका, अनुच्छेद 112 आपका किसके रिगार्डिंग है, बजट के रिगार्डिंग है। ओके, धन विधेयक किस अनुच्छेद से संबंधित है, धन विधेयक आपका किससे है, अनुच्छेद 110 से। और ये भी पहले पूछा जा चुका है, बजट और धन विधेयक 110 और 112। ठीक है भाई, 110 और 112, धन 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। और देखो 109 में, अनुच्छेद 109 यानी कि आर्टिकल 109 में धन विधेयक को पारित किए जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। ठीक है भाई, अगर देखो भाई डेफिनेशन पूछे तो आर्टिकल 110, और अगर ये पूछे कि उसको धन विधेयक को पारित किए जाने की जो प्रक्रिया होती है आपकी, कि उसको पास कैसे कराया जाएगा, वो 109 में बताया गया है। ठीक है, मनी बिल के बारे में,
ओके जी, क्लास को शेयर करें, लाइक करें और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष, देखो मुस्लिम लीग का आपका प्रथम अध्यक्ष थे आपके कौन थे भाई, ये देखो आपके सलीम उल्ला खा। ठीक है, सलीम उल्ला के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग, ठीक है, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीम उल्ला खा मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष थे। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आप सबको पता है कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, यह दिन आपका क्या होता है, पहली सबसे लंबा दिन होता है साल का, और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। मीन्स देखो 21 जून को ही हमने क्यों चुना, क्योंकि जो योग होता है वो आपको मनुष्य की दीर्घ आयु के लिए क्या करता है, मतलब आपकी दीर्घ आयु की कामना रखता है, और ये आपके साल का सबसे लंबा दिन होता है, इसलिए हमने उसको 21 जून के दिन हम किसको मनाते हैं, आपके योग दिवस को। योग दिवस आपका 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया था। उसके बाद में किसने इसको किया था, जिसको नहीं पहली बार, ठीक है, पहला भारत के प्रधानमंत्री ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र सभा में अपने भाषण से की थी, मतलब उन्होंने 2014 में 27 सितंबर को 2014 में बोला था, फिर उसके बाद 21 जून से आपका 2015 में मनाया जाने लगा। ओके, जवाहर सागर डैम किस नदी पर है, जवाहर सागर डैम किस नदी पर है आपका भाई, ये है आपका कौन सी नदी पर है, ये आपका चंबल नदी पर है। ठीक है, कहां पर है भाई, चंबल नदी पर है। अब कौन कौन से है, देखो चंबल नदी पर गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में है, और जवाहर सागर बांध आपका राजस्थान में है। ठीक है जी भाई, अगला बढ़ जाते हैं। एक बार आपका कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में हुआ था। भाई देखो इन सब क्वेश्चंस पर इसीलिए पीपीटी ऐसी तैयार की गई ताकि आपका टाइम कम से कम खर्च हो, जो बच्चे बाद में भी वीडियो देखते हैं वो फटाफट अपना रिवाइज कर ले और अपने अदर सब्जेक्ट पर भी थोड़ा सा फोकस करें। ओके जी, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। देखो सारे के सारे कवर किए गए हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन से थे आपके, डब्ल्यू सी बैनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में दिसंबर 1885 में आयोजित किया गया था, बता चुकी हूँ पहले भी। महात्मा गांधी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती एनी बेसेंट। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती सरोजनी नायडू। पहले जो आपके अंग्रेज जो आपके अध्यक्ष बने, जॉर्ज यूल। मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे आपके, बदरुद्दीन तैयब जी। उसके बाद में भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे बी कृपलानी थे, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आचार्य जे बी कृपलानी थे। नीति आयोग कब बना, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, नीति आयोग की फुल फॉर्म आपकी क्या है भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ठीक है जी, योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन किया गया। अध्यक्ष कौन है इसके, प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। ये क्वेश्चन सीजीएल के लेवल के मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सीजीएल के एलडीसी में जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, जो आपका सीएचएसएल वाला जो एग्जाम होता है वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि अब लेवल में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। सीईओ कौन है भाई आपके, अमिताभ कांत। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका, नई दिल्ली। भाई पेड बैच, बैच आप लोग सब कर रहे हो भाई, बैच आएगा आपका 15 जनवरी को, मेरा साइंस का बैच आएगा। ठीक है, और 8 जनवरी से आप लोगों के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 8 जनवरी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 15 जनवरी को बैच आएगा नया। ठीक है, 15 जनवरी से आपका जो थ्योरी कंटेंट है, जो डिटेल बैच होगा, वो आपका कब से आएगा, 15 जनवरी से आएगा। ओके जी, चलो भाई, अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1556 में। बहुत ही आपके कुछ ऐसे इयर्स होते हैं जो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, बार बार क्वेश्चन पढ़ोगे याद हो जाएंगे। अकबर तैमूर वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर को अकबरे आजम शहंशाह अकबर भी कहा जाता था। इनका जन्म आपका अमरकोट में हुआ था और इनका बचपन का नाम क्या था, अलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। 15 अक्टूबर 1942 में जन्म हुआ था और 1556 में क्या हुआ था इनको, राज्याभिषेक कब हुआ था, देखो डेट याद कर लो। 14 फरवरी तो कभी आप भूलते नहीं होंगे, है ना, 14 फैब तो सबको याद रहेगा ही भाई। अकबर का राज्य अभिषेक कब हुआ था, 14 फैब 1556 को। चलो भाई, सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना कहाँ हुई, सबसे पहले हाईकोर्ट की स्थापना आपकी कलकत्ता में हुई। सबसे पुराना हाईकोर्ट 1862 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। हाईकोर्ट के तहत सिविल और आपराधिक निचली अदालतों और
ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं, ठीक है। हाईकोर्ट के जो अंडर काम करते हैं आपके कौन कौन से होते हैं भाई, आपके सिविल और जो आपकी यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो चीजें होती हैं, वो जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह होते हैं, और कौन से आपके ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल कार्य करते हैं, सभी हाई कोर्ट भारत के सुप्रीम कोर्ट के तहत आते हैं। यानी कि जितने भी आपके हाई कोर्ट हैं वो सारे के सारे कब आते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, आपके सुप्रीम कोर्ट के। अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ठीक है। हाँ भाई, आप सब लोग कह रहे थे कि भाई सर की क्लासेस लगा दो, सर की क्लासेस लगा दो, करण सर कब से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो भाई करण सर आपको कल से लाइव पढ़ाएंगे चैनल पर, तो वो आपको जीके वाला पार्ट कवर कराएंगे और आपका करंट अफेयर्स का, ठीक है। मे भी शायद सुबह 7 बजे वो आपको करंट अफेयर्स कराएंगे, ठीक है। और आप सबको करण सर का लेवल तो पता ही है कि उनकी जीके का लेवल क्या है, ठीक है, मुझे एक्सप्लेन करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। साइंस एंड ज्योग्राफी आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी, देन उसके बाद में जो आपके अदर सब्जेक्ट होते हैं, आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, आपकी इको, आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारा पार्ट आपका करण सर कवर करेंगे। ओके जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ज्योग्राफी आपको मैं पढ़ाऊंगी। ओके, अब किसी का कोई डाउट, ठीक है। आप सब लोग बोल रहे थे कि करण सर की क्लासेस कब से लगेंगी, अब मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। 2020 का अर्जुन पुरस्कार के लिए किसे मिला, देखो 2020 का आपका अर्जुन पुरस्कार किस किस को मिला है, दूती चंद को, मनीष कौशिक को, कालेश यारिका को, मनु भाकर को, सौरभ चौधरी को, संदीप को, आपका सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी को, और देखो राजीव गांधी पहले भी कराए हुए हैं, रोहित शर्मा को, विनेश फोगाट को, मनिका बत्रा को, और आपका एम थंगा वैल्यू को, एम थंगा वैल्यू को। भाई बैच के आपके वो होगा, मतलब बैच जो है वो आपका 499 का होगा, ओके। पहली युवा महिला कौन है जिसे नोबल पुरस्कार मिला, ठीक है, आपकी कौन थी, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई थी आपकी पहली महिला जिनको नोबल पुरस्कार मिला। नोबल पुरस्कार आपका जो अल्फ्रेड नोबल थे उनके आपके वर्ष 1901 में शुरू किया गया था। यह किस किस में दिया जाता है, शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है भाई। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है, ये 6 फील्ड में आपका दिए जाता है। इस पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र के साथ $10,00,000 की राशि भी प्रदान की जाती है। अल्फ्रेड नोबल ने कुल 355 आविष्कार किए थे, जिनमें से 1867 में किया गया डायनामाइट का आविष्कार भी था। ओके जी, चलो भाई आगे बढ़ते हैं एक बार जरा। साइमन कमीशन कब भारत आया था, 3 फरवरी 1928 को, कब आया था भाई आपका, 3 फरवरी 1928 को। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत के संविधानों में सुधार के अध्ययन के लिए किया गया था, और इसका मुख्य कार्य क्या था आपका, मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है, मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म, ये था इसका मेन कार्य। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट हो रहा है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में कितने सांसद थे, ठीक है, उसमें आपके 7 सांसद थे, ठीक है, डेट आपको याद रखनी जरूरी है, और आपका जो किस चीज के लिए आया था ये भी याद रखना जरूरी है। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 में, संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था, 1951 में, किस चीज के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों के शक्तियां दी गई थी, कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था, भूमि सुधार और न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था, ठीक है। ये था आपका जो आपका 1991 में जो आपका अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है, जो आपका अमेंडमेंट किया गया था, जो आपका क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, ठीक है जी। बहुत बच्चे हैं जो बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। मच्छरों के काटने से कौन सा रोग होता है, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट, मच्छरों के काटने से आपके कौन कौन सा बुखार होता है भाई, देखो आपका मलेरिया होता है, आपका फाइलेरिया होता है, डेंगू, ठीक है, आपका कौन सा, जापानीज एनसेफलिटिस, जायका वायरस, और आपका चिकनगुनिया, जापानीज एनसेफलिटिस, आपका जायका वायरस, और आपका कौन सा, चिकनगुनिया। ओके जी, मैम क्लास डेली चलती है, हाँ भाई क्लास डेली चलती है।
पॉलिटी के रिगार्डिंग, हिस्ट्री के रिगार्डिंग जितने डाउट हैं आप प्लीज सर से सारे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज सारे क्लियर कर सकते हैं। सर की ज्योग्राफी, सर की आपकी पॉलिटी, इको, जितना भी जीके वाला पार्ट है उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके हाँ भाई बिल्कुल सर, पढ़ाएंगे कल से, सर लाइव पढ़ाएंगे कल सुबह 7 बजे। आई थिंक सर की करंट अफेयर्स की क्लास होगी, फिर उसके बाद में आई थिंक शायद 2 बजे। आप लोगों को जो भी नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ताकि आप लोगों को ना शेड्यूल का पता लगता रहे, ठीक है, कि कल आपकी किस टाइम की क्लास है। ओके शेड्यूल आप लोग कल शायद दोपहर में 2 बजे भी होगी, शायद एक क्लास शाम को भी होगी, ठीक है जी। पेपर की एनालिसिस किस टाइम कराती हो मैम? बेटा ये पेपर की एनालिसिस ही करा रही हूँ मैं आपको, 9 बजे से, ठीक है, आपकी 9 बजे से स्टार्ट हो गई है। हाँ भाई और बताओ, चलो देख लेती हूँ 1-2 मिनट के लिए आपके टाइम। राधे राधे भाई, राधे राधे। आपकी क्लास की टाइमिंग मेरी 9 PM ही रहेगी, लेकिन जो मेरा बैच आएगा उसमें आपको टाइम लिखा हुआ मिल जाएगा कि वो बैच आपका किस टाइम से आएगा, ठीक है भाई। वो स्टूडियो के अकॉर्डिंग होता है बैच, वो स्टूडियो जिस टाइम पर आवर्स उसमें खाली होंगे उस टाइम से हमको वो टाइम मिलेगा। ठीक है जी, ओके। हाँ क्लास रोज होती है बिल्कुल, सुबह तो मैम एग्जाम है, बैंक का तो ड्यूटी है मेरी। भाई देखो आप लोग जितने भी ऐसे बच्चे हैं ना जो आप जॉब करते हुए आप अपने दूसरे एग्जाम की तैयारी कराते हो, भाई सबसे पहले तो आप लोगों को बिल्कुल हैट्स ऑफ, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि आप लोग एक जॉब होते हुए भी, इतना बिजी होते हुए, ऑब्वियसली आपकी एक ना जॉब भी है, देन उसके बाद में आपका एक क्या है फैमिली भी है, तो सारी चीजें बैलेंस करना, सारी चीजें मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आप अपनी फैमिली, अपना जॉब, ठीक है, और उसके बाद में भी दूसरी चीज की तैयारी करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए बिल्कुल ऑल द बेस्ट, जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए यही सजेशन है कि प्लीज जब भी आपको टाइम मिले, चाहे अपने ऑफिस आवर में, क्लास आपकी रिकॉर्ड रहेगी, है ना, ऐसा थोड़ी है कि हमने YouTube पर पढ़ाया वो क्लास फिर कहीं चली जाएगी या आप लाइव बैठोगे, नहीं। जिन बच्चों के पास में टाइम नहीं है लाइव बैठने का, देखो वैसे मैं आपको प्रेफर करूंगी लाइव बैठो, लेकिन नहीं है टाइम तो आप फिर रिकॉर्डेड देखो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो हमारी, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अजाज अहमद क्या है आपका, बताओ, डाउट बताओ। मैम आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू जी। चलो भाई अगले पर आगे बढ़ जाते हैं एक बार जरा। कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है, इसमें आपकी क्या है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब होती है, वायरलेस फिडेलिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीड, किलो बाइट पर सेकेंड, इस समय आपको पहले भी करा चुकी हूँ, किलो बीट पर सेकेंड, स्मॉल भी है तो बीट आ जाता है, और के बी की आपकी क्या होती है, किलो बाइट होती है, LCD की होती है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेन की होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, और मेगा MB की होती है, मेगा बाइट, मैन की होती है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, लैन की होती है आपकी, लोकल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क। मैम कंप्यूटर कौन पढ़ाएगा, कंप्यूटर मैं ही पढ़ाऊंगी भाई। वेल होता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। कंप्यूटर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी मैं पढ़ाऊंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको सर पढ़ाएंगे। कमेंट सबके जा रहे हैं, कमेंट सबके जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा सा मेरे को कंटेंट पर फोकस करना होता है। अब देखो यहां तक जो क्वेश्चन थे ये आपके 4 जनवरी वाले थे, यानी कल वाले थे, अब जो आपके क्वेश्चन है ये कितने हैं आपके, 5 जनवरी वाले, ठीक है। 5 जनवरी को आपके, यानी कि आज के जो आपके एग्जाम में किसमें कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है, किस किस कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, ये अब स्टार्ट होने वाले हैं आपके, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या था, संगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, अब खुद ही देख लो आप लोग पेपर का लेवल। मैं आप लोगों से हर क्लास में यही बोलती हूँ, बेटा पढ़ लो, मन लगा लो पढ़ाई में, कुछ कर लोगे, कुछ बन जाओगे, ठीक है, नौकरी मिल जाएगी। और क्यों ये सोचते हो आप लोगों को, ठीक है, आप लोग ना इतनी जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हो, इतनी जल्दी हार मान लेते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है भाई। मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि लाइफ में ना जब आपके पास कुछ नहीं होता, बस एक ही चीज होती है, एक ही चीज होती है बस, जब आपके पास में वो है होप, बस ये नहीं छूटनी चाहिए कभी भी, इसको मत छोड़ो, उम्मीद को खत्म मत होने दो। जब तक आपके पास में कोई भी किसी भी चीज का लास्ट चांस है ना, उस चीज के लिए लड़ो, उस चीज के लिए मेहनत करो, किस्मत से ना चीजों को छीनना सीखो, ठीक है, नहीं मिलता ना तो किस्मत से उन चीजों को छीनना सीखो, ओके, अपनी उम्मीद को, उस उम्मीद को खत्म मत होने दो, उस उम्मीद को अपने अंदर बढ़ा के रखो,
संगाई महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? संगाई महोत्सव आपका मणिपुर का त्योहार है। मणिपुर में प्रत्येक वर्ष 21 से 30 नवंबर तक संगाई महोत्सव का आयोजन किया जाता है। महोत्सव का नाम केवल मणिपुर में पाए जाने वाले मृग मरी संगाई हिर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसका नाम संगाई महोत्सव क्यों रखा गया? क्योंकि मृग मरी संगाई हिर के नाम पर रखा गया। भाई पहले यार 300 आप लोग बिल्कुल भी क्लास को शेयर नहीं करो यार, 300 प्लस लेके जाओ भाई, वॉचिंग को 300 प्लस लेके जाओ यार। कोई तो जिम्मा उठाया करो कि मैम आज मैं क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करूंगा, है ना, जिम्मा उठाया करो अपना कि भाई आज मैं करता हूँ सबसे ज्यादा शेयर। ठीक है, हम लेके जाएंगे। ठीक है, एक दिन एक बच्चे ने बोला था, ठीक है, तीन चार बच्चों ने बोला था वैसे तो एक्चुअली, ठीक है, और वो उन सब ने उस दिन सच में 300 क्या 350 प्लस का टारगेट अचीव किया था। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपनी फेसबुक आईडी पर ऐसी क्लास को थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। अब तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज भी आ गया कि सर भी आपको पढ़ाएंगे। ओके जी, मैम आप बहुत अच्छे हो, आपके पास कोई गुस्सा और ईगो नहीं है। ओके थैंक यू बच्चा। ठीक है, सिंपल सी बात है भाई, देखो गुस्सा और ईगो, ईगो तो सिंपल सी बात है, ईगो जब इंसान के अंदर आ जाती है, ठीक है, एक ना हम जब छोटे थे तो एक दोहा था हमारे टाइम पे, ठीक है, कि भाई हमारे टाइम पे इन द सेंस की बहुत ज्यादा बड़ी तो नहीं हूं मैं आप सबसे, ठीक है, कि भाई क्या था कि जब मैं था तब हरी नहीं और जब हरी था तब मैं नहीं। ठीक है, और मुझे ना ये बात समझ में नहीं आती थी उस टाइम पे, छोटे होते थे हम, हमको समझ नहीं आती थी, हम तो बस रट लिए उसकी जो व्याख्या होती थी उसको रट लिया। लेकिन अब समझ में आया, जब थोड़े से बड़े हो गए तब समझ में आया कि उस दोहे का मतलब क्या था, कि जब मैं था तब हरी नहीं और जब हरी था तब मैं नहीं। यानी जब इंसान के अंदर घमंड होता है ना तब तक उसको लाइफ में, ठीक है भाई, हरी का यहाँ पर क्या तत्व, क्या मतलब क्या था, हरी शब्द का मतलब था एक तरह से भगवान का। लेकिन अगर आप सोचो तो हरी मतलब भगवान को भी कौन पाना चाहता है, जिन लोगों के अंदर ना जील होती है, मतलब वो उनकी एक उम्मीद होती है, गोल होता है उनकी लाइफ का। तो जब आपके अंदर ईगो नहीं है ना जब तक, तब तक आप अपने गोल को अचीव करते रहोगे। जिस दिन आपके अंदर ईगो आ जाएगी ना फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका डाउन होना शुरू हो जाएगा, आपका डाउनवर्ड होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा करंट अफेयर्स कहां से प्रिपेयर करें, करंट अफेयर्स सर कल से पढ़ाएंगे आपको, तो सर ही पढ़ाएंगे सारा का सारा करंट अफेयर्स, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला था कि एक टारगेट है उसको अचीव करने में मेरी हेल्प करो, सर बहुत जल्दी जुड़ जाएंगे। बट मैंने फिर सर से थोड़ा रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा सा पहले ही कनेक्ट हो जाओ, बच्चों के एग्जाम हो रखे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं, तो कल से आपको सर पढ़ाएंगे लाइव चैनल पर। ओके, मैं एकदम बढ़िया हूँ, मैं एकदम बढ़िया हूँ भाई, क्लास को शेयर करो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा। चलो भाई, मणिपुर की राजधानी क्या है? आपकी इम्फाल। देखो आपकी जो ये पूरी सेवन सिस्टर्स वाला हिस्सा है ना, ठीक है, ये जो आपका पूरा सेवन सिस्टर्स वाला जो ये आपका हिस्सा है, ठीक है, इसकी आपके हर किसी की स्टेट और आपका इवन जो आपका ये ईस्ट वाला पूरा हिस्सा है इसकी याद होनी चाहिए। जैसे सिक्किम की क्या है भाई, आपकी गैंगटोक है, ठीक है, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश की क्या है, आपकी ईटानगर है, उसके बाद में आपकी नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजोल, त्रिपुरा की अगरतला, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर शिलोंग की आपकी क्या जाएगी, ठीक है, शिलोंग की मेघालय, बीच में आपकी क्या जाएगी असम, असम की आपकी क्या है दिसपुर है, फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर आपका क्या पड़ जाता है, यहीं पर आपका पड़ जाता है क्या वेस्ट बंगाल की क्या है कोलकाता है। ये आपको बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए चीजें, ये सब कुछ कहने की जरूरत ना पड़े कि भाई ये आप लोग बार बार पढ़ो। ओके, पीडीएफ की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन था पोंगल त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है, आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, पोंगल त्योहार बहुत पूछा जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओणम कहाँ पर मनाया जाता है, आपका केरला में मनाया जाता है, ठीक है, ओणम आपका कहाँ पर मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है ये आपका, ठीक है, केरल में। देन उसके बाद आपका तमिलनाडु में मकर संक्रांति की तरह पोंगल पर भी मुख्य तौर पर सूर्य की पूजा ही होती है, ठीक है, मकर संक्रांति भी आपका आने वाला है 14 जनवरी को, उसमें क्या होती है आपकी, इसमें हम सूर्य की पूजा करते हैं और जो आपका पोंगल होता है वहां पर भी सूर्य की पूजा ही की जाती है। तमिल में पोंगल का अर्थ है उफान, तमिल में पोंगल का अर्थ है उफान, इसका दूसरा अर्थ होता है नया साल भी, क्या होता है नया साल भी। ये त्योहार भी फसल और किसानों का त्योहार होता है। अब देखो ये पूछा जा सकता है सीजी आपका सीएचएसएल में और आपका सीजीएल में कि फसल और किसानों का त्योहार तमिलनाडु में कौन सा त्योहार है जिसको फसल और किसानों का त्योहार कहा जाता है। और देखो ये क्वेश्चन वो आपसे पहले पूछ चुका है, एक एग्जाम में पूछ लिया, लेकिन आप लोग क्या रटोगे, आप लोग कोई भी अपनी पतली सी किताब उठाओगे पिछले साल वाली और उसमें सिर्फ आपको ऑप्शन मिलेगा क्या तमिलनाडु, ठीक है। अब यहाँ जो आपकी स्लाइड तैयार की जाती है वहां यहाँ इस हिसाब से कराई जा रही है कि आगे जो आपके एग्जाम आएंगे उसमें किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। वो आपसे पूछेगा फसल और किसानों का त्योहार तमिलनाडु में कौन सा होता है, आप आंसर दोगे पोंगल होता है। ओके चलो भाई,
अगला क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने। सच्चिदानंद सिन्हा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले और अंतरिम अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके भारतीय संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने। ये बात सबको वैसे पता ही होगी, बहुत ही बेसिक है। मैम क्या आने वाले टाइम में जीए हार्ड होता है रहेगा एनटीपीसी में? बिल्कुल भाई, इट्स नॉट अबाउट एनटीपीसी। आपके जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में आपकी जनरल अवेयरनेस किसी में भी इजी नहीं पूछी जा रही है। आप आने दो, सारे आने वाले एग्जाम में देख लेना, आप खुद आपका कोई भी एग्जाम इजी नहीं बनाया जाएगा। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट की हालत टाइट है ना, वो चाहेगी कम से कम वैकेंसी निकले और उसमें भी कट ऑफ जाए हाई, ठीक है, मतलब बिल्कुल क्रीम को छांट के लेगी वो, जैसे दूध में से क्रीम निकाल ली जाती है ना, बिल्कुल वैसे, ठीक है, बिल्कुल एकदम क्रीमी बच्चा जाएगा जिसके पास नॉलेज की भरपूर मात्रा होगी। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो भाई आप लोग थोड़ा सा अपने ख्याली पुलाव वाली दुनिया में जो आप लोग रहते हो, ठीक है, जो आप लोग ये रेत के महल बनाते रहते हो ना, उससे थोड़ा सा बाहर आओ, रियलिटी में थोड़ा सा देखो कि भाई आपकी वैकेंसीज बहुत कम होने वाली हैं, ठीक है, आपकी वैकेंसीज बहुत कम होने वाली हैं और उसमें से भी आपकी क्रीमी लेयर आने वाली है, तो आपका जो जीए का लेवल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। किस पर? ब्रह्मपुत्र पर। माजुली असम के ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में बसा है, यह इस नदी का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है जी। मांजुली इवन आपका विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यानी कि रिवर आइलैंड जो सबसे बड़ा है आपका वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे बड़ा ये आपका रिवर आइलैंड है। कौन सा? मांजुली। कौन सी रिवर पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ठीक है। चलो भाई, विश्व योगा दिवस बता चुकी हूं, 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद में आपका था, देखो ये दोनों शिफ्ट में आया है क्वेश्चन, सुबह भी आया है और शाम को भी आया है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? देखो अब ये क्वेश्चन ना पहले आया हुआ है, मेरे ख्याल से सीएचएसएल में आया था एक बार ये क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? ये है इसका आंसर क्या? मनीला फिलीपींस। क्या है इसका आंसर भाई आपका? मनीला फिलीपींस। क्या है? मनीला फिलीपींस। अब एक ऑप्शन में था मनाली, एग्जामिनर बहुत शातिर है, एक ऑप्शन में मनाली था, एक ऑप्शन में मनीला था, ठीक है, मनीला फिलीपींस नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ मनीला था और मनाली था। बहुत सारे बच्चे ना 60% बच्चे जब वो एग्जाम प्रेशर हमारे टाइम मतलब टाइमर चल रहा होता है हमारे सामने और एग्जाम का प्रेशर होता है, आता था उनको मनीला, हमको पता था कि मनीला में है लेकिन मनाली लगा के आ गए थे। तो इस चीज का भी आप लोगों को ना ध्यान रखना है। थैंक यू गाइस, बस इसी तरह से कोचिंग को एक बार बढ़ाते रहो। इस चीज का भी ना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैम आई एम न्यू, ठीक है भाई, जितने भी बच्चे नए हैं वो सारे के सारे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में चैनल को शेयर करना, वीडियो को शेयर करना। देखो भाई, मनीला आपका क्या है? फिलीपींस में है, और मनाली आपका पता ही है सबको भाई इंडिया में है। तो ये चीज आपको ना एग्जाम में ध्यान रखनी है कि जो आप टिक कर रहे हो ना, कहीं आप आता हुआ क्वेश्चन, देखो एक चीज होती है एग्जाम में, मैं आपको बताती हूँ, ऑब्वियसली एग्जाम दिए हुए तो मुझे पता है कि वो मेंटली प्रेशर कितना होता है वहां पर एग्जाम में, ठीक है। आप नॉर्मली जब टेस्ट सीरीज लगाते हो ना तो वो आपका डी डे नहीं होता, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम ना बहुत कूल माइंड होके बैठते हैं, ठीक है यार आज बेकार अगर हो भी गया तो मैं कल अच्छा करूंगा, ये होती है ना हमारे अंदर, ठीक है मैं कल अच्छा करूंगी या मैं कल अच्छा करूंगा, ठीक है यार अगर मेरे आज मान लिया 200 में से 150 नंबर आए हैं तो कल मैं कितने लाऊंगा, कल मैं 160 लाऊंगा। आप 10 नंबर ऐड कर लेते हो अगले वाले दिन, ठीक है, उससे अगले दिन आप करते हो 170 लेके आऊंगा, इस तरह से अपना टारगेट बना के चलते हो, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, लेकिन जो एग्जामिनर है जब वो पेपर सेट कर रहा है उसको पता है कि आप क्या गलती करोगे, उसको पता है कि आप क्या गलती कर सकते हो एग्जाम में, वो जानबूझ के ऑप्शंस ऐसे डालेगा कि आपको वो चीज पता है, वो चीज आपको आती है लेकिन फिर भी उस क्वेश्चन को गलत कराओगे। और भाई मेरे यकीन मानो, जो क्वेश्चन नहीं आता ना उसको जब हम छोड़ के आते हैं ना पेपर में, हमें बिल्कुल कोई दुख नहीं होता, क्योंकि हमको लगता है क्वेश्चन हमने पढ़ा ही नहीं था, उसका हमें इतना दुख होता ही नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन हमें आता है और जब हमारा वो क्वेश्चन गलत होता है ना, तब हमें बहुत दुख होता है। किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स का हो, कैलकुलेशन की वजह से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए ना, हमें इतना दुख होता है कि यार थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत होगी मेरा पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, है ना। एक एक नंबर बहुत जरूरी होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? ये आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना, यानी कि जो आपका
फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसमें ये नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ देश का नारा 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। अब तक हटी? नहीं हटी, ठीक है। मुझे लगता है शायद कभी हटेगी भी नहीं। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, क्योंकि हमारे कंट्री से ना करप्शन कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। हर जगह करप्टेड लोग बैठे हैं, करप्शन है। आधे से ज्यादा तो ना एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सिर्फ इसलिए लगते हैं क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनको ड्यूटी नहीं करनी है अपनी, ठीक है। उनको क्या करना है, उनको करोड़ों में इनकम चाहिए, उनको अपना करोड़ों रुपया अपना गबन करना है, ठीक है। नहीं तो भाई सिंपल सी बात है, सबको पता है किसी भी एक्साइज इंस्पेक्टर या आपकी जो इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं, जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी पोस्ट है, उनके पास में भाई सैलरी कितनी होती है, इतनी सैलरी में इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर लेते हैं वो। सिंपल सी बात है, करप्टेड होते हैं। सब नहीं होते, आई एम नॉट सेइंग कि सारे के सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ होते हैं, इट इज ट्रू। चलो भाई, भारत का सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए, भारत में सबसे पहले कौन से यूरोपीय आए? भाई सबसे पहले आपके कौन से आए थे? पुर्तगाली आए थे। कौन से आए थे आपके? पुर्तगाली आए थे। भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्कोडी गामा ने 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर पहुंचकर क्या किया था भाई? इसने जो इंडिया के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। ये वैसे बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि सबसे पहले कौन आए थे आपके? पुर्तगाली आए थे। आप सबको ये बात पता ही होगी। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। देखो अब देखो, ये सारी जो चीजें है ना, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊं तो मैं जब थर्ड या फोर्थ क्लास में थी तो हमारे क्लास में ना हिंदी की बुक में ना ये सारी स्टोरीज हुआ करती थी, तो हमें ये चीजें ना स्टोरीज में याद है कि भाई जैसे आपकी लक्ष्मी बाई थी उसका बचपन का नाम मनु था, ठीक है। आपके गौतम बुद्ध थे उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। भरत, भारत हमारा नाम, हमारी कंट्री का नाम भारत कैसे पड़ा? आपके राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र कौन थे? आपके भरत थे, और भरत के नाम पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा था? भारत था। और स्टोरी पूरी कुछ इस तरह से थी कि भरत बहुत ही छोटे से थे और बचपन में शेर के बच्चे के दांत गिनने चले गए थे, तो बहुत ही ब्रेवरी वाला काम किया था उन्होंने, और उन्हीं के नाम पर हमारी कंट्री का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम उनको बुलाया जाता था, है ना, गौतम बुद्ध। गौतम उनका गोत्र था बच्चा, ठीक है। गौतम क्या था? उनका गोत्र था। और बुद्धत्व अर्थात बोध प्राप्त करने की वजह से उन्हें बुद्ध कहा गया, उन्हें बुद्ध कहा गया था, ठीक है जी। प्लीज क्लास को बच्चा सारे के सारे लोग शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी फेसबुक आईडी पर, जहां भी आप चाहते हो थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट बनाओ भाई हमारे साथ में। इरीना कुराबेत शायद आपका नाम है, एटलीस्ट। अच्छा भाई, नाम लेने से, अच्छा नाम लेना था आपका, चलो भाई ले लिया आपका नाम। विवेक चौधरी, आप क्या पूछना चाहते हो? देख लेती हूँ भाई 2 मिनट के लिए, चलो कोई बात नहीं। आपके कमेंट भाई, मैं दिल्ली से हूं। हाँ क्या है बेटा विवेक आपका डाउट? चलो भाई ठीक है, जिसका जो डाउट होगा बाद में देख लूंगी मैं। बेला डीला खान कहां पर है? बेला डीला खान कहां पर है? आपकी छत्तीसगढ़ बस्तर में। कहां पर? छत्तीसगढ़ के बस्तर में है। प्रथम जैन समिति का आयोजन कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन समिति का आयोजन आपका कहां हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। प्रथम जैन सभा आपकी चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। पाटलिपुत्र के प्रथम जैन समिति हुई। इतनी सारी एरर होती है ना। देखो भाई, पाटलिपुत्र में हुई थी, किसके काल में हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुई थी। और अध्यक्ष, यह सभा स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। किसमें? स्थूल भद्र की अध्यक्षता में हुई थी। ओके जी, चलो भाई आ जाओ। संविधान के भाग चार में किसका उल्लेख है? संविधान के भाग चार में आपका किसका? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज। किसका भाई? आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज का आपका उल्लेख है। देखो भाग एक से चार,
इधर से थोड़ा सा हम लोग याद करने की कोशिश कर ले। देखो पहले इधर से करते हैं, एक दो तीन चार, ठीक है आपका एक दो तीन चार, और उसके बाद में फोर्थ ए। याद करने की ट्रिक देखो, एक से चार कॉन्टिन्यूस, पांच से ग्यारह, बारह से पैंतीस, छत्तीस से इक्यावन, और फिर देखो इधर पे अगर ए लग गया है तो इधर पर इक्यावन के सामने ही ए लग गया है। ठीक है अब देखो किस किस के बारे में है, इसकी भी एक ट्रिक है याद करने की। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, हमारा संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। भाग एक में हमने इसलिए उसको रख दिया। उसके बाद में हम क्या आएंगे कि उस क्षेत्र में आपके लोग कौन रहते हैं, यानी नागरिकता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम किसके बारे में बात करेंगे कि जो वो लोग रहते हैं उनके कुछ राइट्स भी होंगे ना भाई, मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक अधिकारों के बाद में हम किसके बारे में बात करेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। ठीक है भाई, कि कुछ ना कुछ निर्देश भी होने चाहिए, कुछ ना कुछ आपके क्या होने चाहिए, कुछ ना कुछ आपके प्रिंसिपल और पॉलिसीज होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करेंगे उनके फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य। मीन्स भाई देखो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ये आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसके बाद में आपका आपातकाल के प्रावधान है, और उसके बाद में आपका क्या है, संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है। ठीक है ऊपर वाले जो आपके ये चार पांच है ये आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद होने चाहिए। चलो भाई, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? देखो श्रीलंका की आपकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, श्रीलंका की आपकी सबसे बड़ी नदी है महावेली गंगा, जो आपकी 335 किलोमीटर लंबी है, जो आपकी 335 किलोमीटर लंबी है। मैम अच्छा ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं एक बार जरा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है आपका? 4 जनवरी को मनाया जाता है। मैम एक क्या है आपका डाउट, एक मिनट नीचे कर लेती हूँ जरा मैं आपका। मैम एक कोशिका में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? देखो भाई आपके एक कोशिका में आपको ये मतलब ये मैंने पढ़ा था कि आपका 1 लाख से लेकर 5 या 6 लाख तक आपके होते हैं, ठीक है एक सेल के अंदर। लेकिन उसमें क्या होता है, आपकी एक टर्म होती है क्या, एम्प्टी डीएनए, ठीक है एम्प्टी डीएनए होती है। तो वो क्या होती है आपकी, कंटेन्स ओनली वन कॉपी ऑफ एम्प्टी डीएनए, ठीक है एम्प्टी डीएनए की सिर्फ एक ही कॉपी होती है, लेकिन 1 लाख से 5 या 6 लाख तक आपके होते हैं। ठीक है अमित कुमार ले लिया जी आपका नाम। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर लुई ब्रेल की जयंती मनाई जाती है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में हुआ था। अब देखो ये क्वेश्चन तो यहाँ पूछ लिया कि विश्व ब्रेल दिवस आपका कब मनाया जाता है, वैसे तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होगा कि आपका ब्रेल वर्ल्ड, आपका वर्ल्ड ब्रेल डे क्या होता है, तो कब मनाया जाता है ये भी नहीं पता होगा देखो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये फिर आपको जाते हैं स्टेट लेवल के क्वेश्चन कि भाई इनका जन्म कब हुआ था आपका, 1809 में फ्रांस में हुआ था, 1809 में फ्रांस में हुआ था। क्यों मनाया जाता है? ब्रेल लिपि के आविष्कारक, ब्रेल लिपि के क्या थे, ये आपके आविष्कारक थे। आगे आ जाते हैं एक बार जरा, वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था, अघन्या। वैदिक काल में गाय को क्या कहा जाता था बच्चा, अघन्या। समय रेखा यानी कि जो आपकी इंटरनेशनल जो आपकी समय रेखा जो होती है, टाइम लाइन जो होती है, वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है इंडिया के, 5। कौन कौन से हैं आपके एक बार देख लेते हैं, यूपी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है। और ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है ये इन राज्यों से आपकी टाइमलाइन जो है होकर गुजरती है। लोकसभा में सदस्यता के लिए आपकी न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए, कितनी 25 वर्ष। और राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए, 30। और आपका जो अपर हाउस होता है वो कौन सा होता है, राज्यसभा होता है, ठीक है। अपर हाउस हम किसको बोलते हैं, राज्यसभा को बोलते हैं। लोअर हाउस हम किसको बोलते हैं आपका, लोकसभा को बोलते हैं जी, ठीक है। लोअर हाउस हम किसको बोलते हैं आपका, लोकसभा को बोलते हैं, यानी कि आपका जो निम्न सदन है वो कौन सा होता है आपका, लोकसभा होता है। उच्च सदन कौन सा होता है आपका, राज्यसभा होता है। एचटीएमएल क्वेश्चन बार बार मतलब हर एक आपके उसमें पूछा गया है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज।
हाँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है इसकी फुल फॉर्म। मैम आज आज मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू अर्जुन जी। डल झील कहाँ पर स्थित है? डल झील आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है, कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध झील है, 14 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। झील तीनों दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है, यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। सबसे पुराना बंदरगाह कांडला, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है आपका? कांडला है, कहाँ पर है? गुजरात में है। देश में 13 बड़े बंदरगाह हैं, कौन कौन से? कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नोर, तूतीकोरिन, ठीक है, ये क्या है आपके भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? ये क्या है आपके भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, आपके 7 कितने हैं भाई? आपके किस पर है? आपके ईस्टर्न पार्ट पर है, ठीक है, आपके ईस्टर्न पार्ट पर है। बाकी कहाँ पर हो गए? आपके वेस्टर्न पार्ट पर हो गए। चलो भाई, CHO का क्रियात्मक ग्रुप क्या है? CHO आपका किसका है भाई? आपका एल्डिहाइड, किसका होता है? एल्डिहाइड का। COOH ये होता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का, किसका होता है? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। देन उसके बाद में आपका CO किसका होता है? कीटोन का होता है, किसका होता है? आपका कीटोन का होता है। OH आपका किसका होता है? एल्कोहल का होता है, किसका होता है? एल्कोहल का होता है। इट मे भी पॉसिबल ना कि ये बात आपसे पूछी जाए। IPL में 100 मैच जीतने वाले कैप्टन कौन से हैं? MS धोनी। और MS धोनी का एक और नाम है, क्या बोलते हैं इनको? कूल कैप्टन, है ना, कूल कैप्टन भी हम इनको बोलते हैं, है ना, क्लियर। प्रोटीन से होने वाले रोग आपके कौन कौन से हैं? देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है। प्रोटीन से होने वाले आपके रोग कौन कौन से हैं भाई? देखो एक आपका क्या है, क्वाशी और कर, और एक कौन सा है आपका? सूखा रोग। मानव शरीर में कौन सी बोन नहीं पाई जाती है? ठीक है भाई, ये आपका यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन हमको नहीं मिली थी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस हमको नहीं मिल पाए थे, ठीक है, कि इसमें ऑप्शंस क्या दिए गए थे, इस वजह से ये क्वेश्चन अभी आपका अधूरा है। जैसे ही आप मुझे आंसर मिल जाएगा मैं आपको बता दूंगी। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन आपका कब हुआ था भाई? 1919 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 का सूत्रपात भारतीय मुसलमानों का के एक बहुसंख्यक वर्ग ने राष्ट्रीय स्तर पर किया था। गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंदू तथा मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा और मुस्लिमों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की, ठीक है। तो यानी अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने हिंदू और मुस्लिम जो आपके मुस्लिम थे उनको क्या करा, एकजुट होने का प्रयास किया, वो आपका कौन सा था? खिलाफत आंदोलन था। वो कौन सा था आपका? खिलाफत आंदोलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजय बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हुआ? देखो विजय बैंक और देना बैंक दोनों का आपका जो विलय यानी कि मर्ज किसमें हो गए? वो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब देखो आपकी कितनी रह गई है यूनिट टोटल? आपकी सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों की संख्या 12 रह गई है। कैसे? पंजाब नेशनल बैंक में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हो चुके हैं, सिंडिकेट का कैनरा बैंक में मर्ज हो चुका है, आंध्र प्रदेश और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो चुके हैं, ठीक है, उनमें विलय हो चुका है, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो चुका है। ओके जी, चलो, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का उद्घाटन किसने किया? जवाहर नेहरू ने। पहला न्यूक्लियर रिएक्टर भारत का उद्घाटन किसने किया? जवाहर नेहरू ने। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था आपका? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। राज्यों की सीमाओं के पुनर्गठन की सिफारिशों के लिए 1953 में केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग SRC का गठन किया था। SRC का गठन किया था। इनमें से कौन सी सत्यजीत रे की फिल्म नहीं है? क्वेश्चन अभी आप छोड़ दें क्योंकि ऑप्शंस नहीं पता थे। मानव शरीर के पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl, गैस्ट्रिक एसिड। इंसान के पेट में एक अम्ल होता है जिसको हम गैस्ट्रिक एसिड या फिर आपका HCl जो होता है, और ये क्या होता है जब इसकी अधिकता बढ़ जाती है? मैंने आपको कल भी कराया था क्वेश्चन, है ना, कल कराया था। जिन बच्चों ने कल की क्लास ली होगी उनको, जिन बच्चों ने अच्छा कल की क्लास ली होगी ना, आज वो सारे के सारे ये सारे क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि कल जो मैंने आपको साइंस में क्वेश्चन कराए थे ना उनमें से सारे क्वेश्चन आपके आ गए,
ठीक है, यह आप अपना लक समझो या कुछ भी समझो भाई इसको, कि जो मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ वो बाई चांस आपके एग्जाम में हिट हो रहे हैं, ठीक है। और ये आपका यही नहीं, जो आपका पीसीएस का एग्जाम होता है ना, जब यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है तब भी बच्चों के लगातार कमेंट आए थे कि मैम अब तक आपने जितना भी यूट्यूब पर पढ़ाया है ना, जितना भी आपका कंटेंट और एमसीक्यूज वाला जा रहा है, वो सारे क्वेश्चन आपके पेपर में हिट कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से होकर एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को पढ़ लो भाई। मेरा पेड बैच बिल्कुल है भाई, आपका 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ओके। आठवां जनरल सेक्रेटरी यूएनओ कौन था? बान की मून। आठवां जनरल सेक्रेटरी यूएनओ का कौन था? बान की मून था, ठीक है। और अभी अभी कौन है भाई आपका, एक बार ये भी देख लेते हैं जरा, कहाँ गया यार, आ जा भाई, आ जा यार, ठीक है। अभी देखो बेटा, नाइन्थ कौन है आपका? एंटोनी गुतेरस। एंटोनी गुतेरस पोर्तुगल के हैं, ये कहाँ के थे आपके? साउथ कोरिया के हैं, ठीक है। ये कब से हैं आपके? 2017 से। बढ़ लेते हैं एक बार आगे, यूएनओ का स्थायी सदस्य कौन कौन है? देखो भाई आपके यूएनओ के कौन कौन है स्थायी सदस्य? पांच हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। ये आपके पांच क्या है? इसके परमानेंट मेंबर है। और 10 क्या होते हैं आपके? अल्पकालिक, यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में इनको बदल दिया जाता है। तो टोटल कितने होते हैं आपके? 15 होते हैं, लेकिन 10 को हम क्या करते हैं, बार बार चेंज करते रहते हैं हर 2 वर्ष के बाद में। और लेकिन ये जो पांच है ये इसके फिक्स है, ये जो पांच है ये इसके फिक्स है, और ठीक है। और जो ये चीन भाई साहब यहाँ पर बैठे हैं ना, यही क्या करते हैं, यही इंडिया के लिए हमेशा टांग अड़ाते रहते हैं, ठीक है। ये इंडिया को कभी भी मेंबरशिप नहीं मिलने देते यहाँ पर, ये क्या है, इन पांचों की वोट का होना कंपलसरी होता है, तो ये हमेशा वोट नो में डालते हैं, ओके। ये हमको कभी नहीं बनने देते। ये कौन लिख रहा है ये भाई, क्या है फालतू में कि मैम की इंस्टा आईडी है? हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो इंस्टा पर फॉलो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे को कोई डाउट हो तो आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं। आईडी है आरती चौधरी, आरती चौधरी 1234, भाई सर्च कर लेना, मेरे को ढंग से याद भी नहीं है एक्चुअल में आईडी, ठीक है। चलो भाई यहाँ पर परमानेंट मेंबर की बात की जा रही है विवेक जी, ठीक है। सीएसएस फुल फॉर्म, सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट, एचटीएमएल की बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका मैथ्स का, यहाँ पर शायद गलती से प्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं है करा देती हूँ। देखो भाई टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/√3। और साइन 30 कितनी होती है? 1/2, ठीक है। दोनों का आप क्या लोगे? एलसीएम लोगे, और इसके बाद में इसको क्या कर लोगे? सोल्व कर लोगे, यानी कि 2 -√3/2 × √3। अब इसका कितना होता है? 2 -1.732, √3 की वैल्यू होती है 1.732, यानी कि 2 × 1.732। यहाँ पर जब आप इसको माइनस करोगे तो 2 -1.732, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1 पॉइंट, आपका पीछे आएगा 8, फिर उसके बाद में आपका 9 में से 3 जाएंगे 6, यानी कि आपका जाएगा 1.2682। और इसको जरा एक बार आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 4, ठीक है, 6, उसके बाद में 14, और उसके बाद में कितना जाएगा? 3.646। इसको एक बार सॉल्व कर लेना, आपका आंसर निकल जाएगा। शेड्स ऑफ सैफ्रोन बुक किसने लिखी है आपकी? सबा नकवी ने। सबा नकवी ने आपकी शेड्स ऑफ सैफ्रोन बुक लिखी है। अरे वाह मैम, आप मैथ्स के क्वेश्चन भी करा देती हैं। अच्छा क्यों नहीं कराएंगे भाई, हमने कौन सा मैथ्स के क्वेश्चन ही किए हुए क्या? ठीक है, साइंस स्ट्रीम के बच्चे रहे हैं भाई, हमेशा से मैथ्स पढ़ा है, ऐसा ही थोड़ी है। आपका जो नृत्य दिवस है वो क्या है आपका? 29 अप्रैल को है, ठीक है। बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। बृहदेश्वरी मंदिर या राज राजेश्वरम तमिलनाडु के तंजोर में, तमिलनाडु के तंजोर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। मैम आप तो ऑलराउंडर हो, सब पढ़ा देती हो। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, वो कोई आपका टफ क्वेश्चन नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। जो भी आपका पीसीएम भी बायो जो मतलब पढ़ते हैं आपके टिल 12th तक, उनके सारे ही पार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैथ्स भी होता है, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है, बायोलॉजी भी होती है, ठीक है। एक आपका अदर सब्जेक्ट होता है, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, आप जो भी ले लो भाई, हो सकता है घटाना वटाना आप देख लेना, ठीक है। कितना था भाई आपका? वो 2 था ना, ठीक है। यहाँ घटा के देख लेते हैं भाई कितना था, 1.732। मैंने तो जल्दी में घटाया यार, उसको देख लेते हैं। यहाँ 8 आया, 9 में से 3 गए, आपका 6 आया, 9 में से 7 गए, भाई गलत गलत तो नहीं है ये आपका, ठीक है। और ये आपका 0.268 आएगा, ठीक है भाई, 0.26 आएगा भाई, इतना तो हो जाता है यार, 1 नहीं आएगा ना, 0.268 आएगा। लो कर दिया ठीक, ठीक है, 0.268 आएगा। द्रव्यमान उसका उतना ही रहेगा शिवम कुमार जी, द्रव्यमान चेंज नहीं होता आपका चंद्रमा पर, द्रव्यमान चेंज नहीं होता, आपका भार चेंज होता है। कितना होता है आपका? भार चेंज होता है।
ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन एक बार जरा हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लीफो। अब देखो भाई ये अच्छा लेवल है आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन का, ठीक है। ये आपके कौन बच्चे करते हैं, या तो जो भाई आपका बीसीए का कोर्स करते हैं, ठीक है, या फिर जो आपके इंजीनियरिंग वाले बच्चे होते हैं, मीन्स जो आपके प्रोफेशनल कोर्स करते हैं ना, वो पढ़ते हैं इन सब टर्म को, ठीक है। आपका एक सब्जेक्ट होता है क्या, डेटा स्ट्रक्चर, वहां पर ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लीफो फीफो। बहुत सारे बच्चों ने पढ़ाई नहीं होगा, जिन्होंने मान लिया टिल 12th तक कंप्यूटर पढ़ा है, उन्होंने भी ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एल्गोज होती हैं बेसिकली, आपकी एल्गोरिथम्स होती हैं ये आपकी, और एल्गोरिथम क्या होते हैं, आपके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं ये आपके। बाई चांस पूछ रहे कि एल्गोरिथम क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं। लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कुछ इस तरह से, भाई देखो मान लीजिए कोई आपकी क्या एक स्टैक है, ठीक है। अब इसमें मान लिया यहाँ पर आपने सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करा, सबसे पहले कुछ डाला, फिर ये डाला, फिर यहाँ पर कोई इनपुट, मतलब इस तरह से आपने ना एक सीक्वेंस में इनपुट डाली है, सबसे लास्ट में आपकी ये वाली इनपुट गई है, लेकिन आपका आउटपुट किसका आएगा, सबसे पहले इस वाली आपका, ठीक है। आपकी सबसे पहले इस वाले इंस्ट्रक्शन का ये आउटपुट देगा, तो ये तो हो जाएगा आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन सबसे लास्ट में जो गया उसने सबसे पहले आउटपुट दिया। फिर उसके बाद में क्या है आपका, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब होता है कि भाई देखो जो सबसे पहले गया उसी ने सबसे पहले आउटपुट लिया। जैसे आप लोग लाइन में लगते हो, है ना, लाइन में आपका क्या होता है, फीफो काम करता है हमेशा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप जितनी जल्दी जाके लाइन में लग जाओगे उतनी जल्दी आप हट जाओगे, ऐसे थोड़ी होता है कि पीछे वाला जो होता है वो लाइन में सबसे आगे आ जाता है, नहीं ना, जो सबसे पहले लाइन में जाके लगता है उसको, मान लिया किसी भी चीज की आप लाइन में लगे तो सबसे पहले आपका जो भी चीज होती है उसी को मिलती है, ऑब्वियसली बेटा। आगे बढ़ जाते हैं एक बार जरा, आईएमएफ का 190वां सदस्य, आईएमएफ का 190वां सदस्य आपका कौन सा है, आईएमएफ का 190वां सदस्य आपका क्या है, एंडोरा है। क्या है भाई, एंडोरा है। आईएमएफ की स्थापना आपकी 1944 में की गई थी, ठीक है। इसके ये क्या है, आपकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, आपका इंटरनेशनली मॉनेटरी फंड, ठीक है। इसका सदस्य बनने वाला 190वां कौन सा है आपका, एंडोरा, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है आपका, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी में इसका क्या है, वॉशिंगटन डीसी का है आपका क्या भाई, इसका मुख्यालय है। भाई मैंने आज आप लोगों से एक टारगेट मांगा था, कितना, 300+ का, कितना मांगा था, 300+ का मांगा था भाई, वो 300+ पर कोई बच्चा लेके नहीं गया, है ना, पहले भी बोला था, अभी दोबारा ही बोलती हूँ, 300+ पर इसको लेके जाओ। क्रिस्टालिना, क्रिस्टालिना जारविवा को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आपका आईएमएफ का, आईएमएफ का क्या चुना गया है इनको, इसका प्रमुख चुना गया यानी कि अध्यक्ष। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है, वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों का पुनः निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। विश्व बैंक समूह 5 अंतरराष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, 1944 में। ईयर्स याद करने की कोशिश करना आप लोग, क्योंकि ईयर्स भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। स्थापना कब हुई थी, 1944 में हुई थी। ओके जी, इस बात मैम सब्सक्राइबर की बात को आप बहुत देर से बता रहे हैं, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, तो आप लोग लेके तो जाओ। मैम यू आर ऑलराउंडर, थैंक यू भाई। डिफरेंट क्या होता है मास में और वेट में, ठीक है भाई, देखो मास और वेट में आपका बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। वेट का शायद अगर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपका W इज इक्वल टू mg, ये होता है बच्चा आपका किसका फॉर्मूला, आपका मास, उस आपका वेट का फॉर्मूला। अब यहाँ पर जो m है ना, ये है आपका क्या, मास यानी कि द्रव्यमान, ये है आपका देखो मास यहाँ पर, यानी ये देखो जो आपका वेट है वो किस पर डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर, ग्रेविटी पर यानी कि गुरुत्वीय त्वरण पर आपका कौन डिपेंड करता है, आपका भार डिपेंड करता है, ना कि आपका द्रव्यमान, सिंपल सी बात है। अब देखो भाई वहां पर आपकी जो आपकी अर्थ है, आपकी जो मून पर ग्रेविटी है वो अर्थ की 1/6 है, वो अर्थ की 1/6 है, तो किस पर अफेक्ट पड़ेगा, सिर्फ उसके वेट पर अफेक्ट पड़ेगा। मान लिया यहाँ पर उसका वेट कितना है, 30 किलो है, ठीक है, 30 किलोग्राम है, तो वहां पर कितना हो जाएगा आपका, इसका
आपका डिवाइड बाई 6 कर दो, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आपका 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके जी, चलो एक बार बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे आपका कब मनाया जाता है? 29 जून को। हर साल 29 जून को आपका प्रो पीसी महाल नोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली की स्थापना में उनके अमूल्य योगदान को याद किया जाता है, उनके अमूल्य योगदान को याद किया जाता है। मैम साइंस के सुपर 30 कब लगाओगे? भाई सुपर 30 है क्या, मैं तो सुपर 1000 लगा रही हूँ आप लोगों के लिए। 1000 क्वेश्चन का टारगेट है मेरा तो, 1000 क्वेश्चन का टारगेट है आपका मेरा तो, है ना, सिंपल सी बात है। सुपर 30 क्या होते हैं, 30 क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके। यार एक बार भी कोई भी ना 300 प्लस नहीं लेके गया आप में से कोचिंग को, ना 300 प्लस नहीं लेके गया आज कोचिंग में। अमित कुमार जी, मैं आपके कमेंट का जवाब दे चुकी हूँ। धौला सादिया पुल का नाम क्या रखा गया है? ठीक है, धौला सादिया, आपके ना बहुत सारे पुल का और बहुत सारे जो आपके जिले हैं उनका नाम बदल दिया, जैसे इलाहाबाद का प्रयागराज किया गया है। ठीक है, आपका जो आपका आइलैंड है उनके भी नाम, जैसे आपके जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जो आपके आइलैंड थे, ठीक है, उन सबके आपके नाम बदले गए हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे पुल भी हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। धौला सदिया पुल का नाम क्या रखा गया है? भूपेन हजारिका पुल। क्या रखा गया है? भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, अब देखो ये जो आपका धौला सदिया जो आपका पुल है, ये ऑफिशियली नाव भूपेन हजारिका पुल भारतीय राज्य आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक, ब्रह्मपुत्र नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? लोहित नदी। किस पर भाई? लोहित नदी पर बना हुआ है। बाई चांस पूछ ले कि आपका भूपेन हजारिका पुल कहाँ पर है, तो आपका लोहित नदी पर है। और लोहित नदी आपकी क्या है? आपकी ये आपकी ब्रह्मपुत्र की कैसी है, आपकी ट्रिब्यूटरी है। सिंपल सी बात है भाई, देखो ये आपकी ब्रह्मपुत्री है, ब्रह्मपुत्र है, और यहाँ पर क्या है, ये आपकी लोहित नदी, इससे आकर यहाँ पर मिल जाती है। लोहित नदी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या भाई? कामाख्या देवी, ठीक है, यहीं पर आसाम में इसी के किनारे थोड़ी सी दूरी पर पड़ता है आपका, क्या कामाख्या देवी का मंदिर पड़ता है ये आपका। ठीक है जी, और ये जो आपका पानी है, इसका जो लोहित नदी का पानी है, ये कैसा है आपका? रेड है कलर में। ठीक है, रेड है कलर में, और किसके कारण है ये आपका? किसके? आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण माना जाता है कि इस पानी का जो कलर है वो रेड रेड सा दिखाई देता है। भाई मैंने मैथ का आपको आज ही एक क्वेश्चन कराया है भाई, ऑलराउंडर में इसमें क्या बोलूं आप लोगों को, आप लोग पता नहीं क्या इतना वो कर रहे हो। करण चौधरी सर, भाई आपको कल से पढ़ाएंगे, आपको करंट पढ़ाएंगे आपको, और जितने भी आपके जीए वाले पार्ट हैं वो सारे पढ़ाएंगे। ठीक है, जितने भी आपके जीए वाले पार्ट हैं वो सारे पढ़ाएंगे। ठीक है जी, करण सर आपको कल से पढ़ाएंगे। हाँ जी पूछ लो, मैं दो दो मिनट के लिए डाउट पढ़ती रहूंगी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे ऑलराउंडर, ऑलराउंडर कुछ नहीं है भाई, न्यूमेरिकल मैथ्स का यार वो सिंपल सा था, फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैथ्स के छोटे से क्वेश्चन में क्या था, उसमें भी छोटी सी कैलकुलेशन की गड़बड़ हो गई थी, है ना, जल्दी जल्दी में। मैम कुछ कोई मैथ्स की बुक सजेस्ट कीजिए। भाई मैथ्स की मैं आपको बुक सजेस्ट करना चाहूंगी, भाई मैथ्स की अगर आपको बुक करनी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो जो आपकी किरण वाली बुक होती है वो काफी अच्छी बुक है आपकी। ठीक है, आपकी जो किरण वाली बुक है वो काफी अच्छी है, आप उसे कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज आपके लिए मैथ्स में सबसे ज्यादा बताती हूँ मैं आपको ना, बहुत सारे आपके नोट्स हैं जहां से भी आपने इंस्टीट्यूट से आपने अपना कंप्लीट किया हुआ कोर्स, सबसे ज्यादा बढ़िया होता है कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने कवर किया है ना, उन नोट्स को आप बार बार पढ़ो। ठीक है, उन नोट्स को बार बार पढ़ो, देन उनके बाद में क्या करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ अपने। मैथ्स का सिंपल सा फंडा है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मैथ्स अपने आप इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स कोई बहुत बड़ी हवा तो है नहीं ना, कोई जो आपको डरा के रखेगा, कोई बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं होता मैथ्स, इंटरेस्टिंग होता है मैथ्स। ही आपका एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पर आपके सबसे कम गलती के चांसेस होते हैं, सबसे कम गलती के चांसेस होते हैं, मीन्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, बचपन से ही हमको बोला जाता है 100 आउट ऑफ 100 लेके आने, किसमें आ सकते हैं? सिर्फ मैथ्स में ही आ सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको कोई व्याख्या तो करनी नहीं है, एक्सप्लेनेशन तो चीजों की करनी नहीं है, सिंपल सी बात है, फॉर्मूला याद, मतलब वहां पर आपका सिंपल सा फंडा, या तो आपको चीज नहीं आती है या आपको नहीं आती, आप बीच में नहीं अटकते मैथ्स में, या तो आपको वो चीज आती है या आपको नहीं आती, दैट्स इट, क्लियर। जैसे कि आपका क्या है, अर्थमेटिक और एडवांस, ठीक है, आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है आपके दो पार्ट में मैथ्स आपका डिवाइड, एक अर्थमेटिक है एक आपका एडवांस है। अर्थमेटिक में आप क्वेश्चन को पढ़ते हो फिर सोचते हो कि ये क्वेश्चन आपको आता है कि नहीं आता, एडवांस में आप क्वेश्चन को देखते हो और डिसाइड कर लेते हो कि या तो ये मुझे आता है या नहीं आता, मतलब आपका टाइम वेस्ट वाला चक्कर ही नहीं है एडवांस मैथ्स में, ठीक है। एडवांस मैथ्स में आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको या तो उसका आंसर आता है, आपको वो क्वेश्चन आता है, अदरवाइज नहीं आता, मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं। अर्थमेटिक में क्या, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद में उसका सोल्यूशन निकालना होता है, तब आप ये डिसाइड करते हो कि भाई ये क्वेश्चन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन एडवांस में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं एक बार जरा। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है आपका? विश्व रक्तदान जो आपका दिवस है वो मनाया जाता है आपका 14 जून को। कब मनाया जाता है भाई? 14 जून को। पूरे विश्व में 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को 1868 में पैदा हुए कार्ल लैंडस्टीनर, कौन भाई आपके, कार्ल लैंडस्टीनर के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, ये आपका मनाया जाता है। और इन्होंने इन्होंने ही आपकी क्या की थी, कल की स्लाइड में देखो ये मैंने आपको बात बताई थी, ठीक है। इन्होंने ही आपकी क्या की थी, जो आपके ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी खोज किसने की थी, आपके लैंडस्टीनर ने ही की थी। ओके जी। चलो भाई एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी के सारी मैंने आपको फुल फॉर्म एक दिन आपकी मैंने क्लास लगाई हुई है चैनल पर कंप्यूटर की, वहां पर सारी कराई हुई है। एसएमटीपी की क्या है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सबसे पुराना बांध भारत में कौन सा है, कलानाई डैम। सबसे पुराना भारत बांध जो है आपका भारत में वो कौन सा है, कलानाई डैम है, ठीक है। कहाँ पर है, इस बांध का निर्माण चोल वंश के राजा करिकला चोल ने दूसरी शताब्दी में किया था। बांध कावेरी नदी पर स्थित है जो तिरुचिरापल्ली शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अगर रिवर पूछ ले तो कौन सी है भाई आपकी, कावेरी। कौन सी है भाई, कावेरी। नहीं भाई आपको पॉलिटी और करंट अफेयर्स सर पढ़ाएंगे, पॉलिटी और करंट अफेयर्स आपको कल से सर पढ़ाएंगे, जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं आपके जीके के वो सारे सर पढ़ाएंगे। मैम आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू जी। राजमीना मैंने आपको बता दिया कि आपको पॉलिटी हिस्ट्री जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं जीके के सारे आपको सर पढ़ाएंगे, ठीक है। कल से सर आप हमारे साथ में जुड़ जाएंगे चैनल पर, तो और ज्यादा थोड़ा सा शेयर करो भाई, क्योंकि जो सर ने मुझे टारगेट दिया था वो अभी तक मैं अचीव नहीं कर पाई हूँ। वो बस सिर्फ रिक्वेस्ट की जा रही है उनसे कि सर कोई बात नहीं, बच्चों के एग्जाम है, अगर हम अपना टारगेट थोड़ा सा पहले अगर आप शुरू कर देंगे तो बच्चों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। बिहार की धरती पटना से प्रणाम मैम। प्रणाम जी, प्रणाम। भाई ग्रेविटी का पता तो आपका किसने लगाया था, न्यूटन साहब ने लगाया था, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रेविटी का पता तो आपका न्यूटन साहब ने लगाया था। मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका कंप्यूटर और ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, बाकी सारे सब्जेक्ट सर पढ़ाएंगे। प्रणाम जी, ले लिया मैंने आपका प्रणाम। चलो भाई नोबेल शांति पुरस्कार, देखो नोबेल शांति पुरस्कार मैं आपको बता चुकी हूँ किस किस फील्ड में दिया जाता है, लेकिन इस बार जो फूड वाला जो आपकी चेन है उसमें किसको दिया गया था, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में ये किसको दिया गया था आपका, देखो भाई ये आपका दिया गया था, ये किसी एक पर्टिकुलर बंदे को नहीं मिला बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है। किसको मिला है, ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला है, देखो एक संस्था को मिला है। कौन सी को भाई, कोरोना वायरस संकट, सैन्य संकट और अन्य मुश्किल वक्त के बीच दुनिया में बड़े पैमानों पर जरूरतमंदों का खाना खिलाने और मदद करने के लिए इसका चयन किया गया, इसका चयन किया गया। महाराष्ट्र का राज्यपाल आपका कौन है, भगत सिंह किश्योरी। और इसका आपका जो स्टेट के जो इसके सीएम है, जो चीफ मिनिस्टर है, वो कौन है, उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है। साथ में जो आपके ये भगत किश्योरी है यही आपके गोवा के भी क्या है, गोवा के भी ये आपके गवर्नर है, ठीक है। अगला है आपका ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन है, रोहित शर्मा। अब ला लीगा क्या है, दुनिया के शीर्ष फुटबॉल क्लब स्पेन के ला लीगा ने
टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यानी कि ये क्या है आपका, एक तरह से फुटबॉल क्लब है, ठीक है। लालीगा क्या है आपका, एक तरह से फुटबॉल क्लब है। 1930 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था, रविंद्रनाथ को मिला था। अपनी कौन सी बुक के लिए, गीतांजलि के लिए 1913 में इनको क्या मिला था आपका, नोबेल पुरस्कार मिला था। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है आपका, अग्नाशय से, यानी कि आपका पैनक्रियाज से। क्या होता है आपका, इंसुलिन का सिक्रीशन होता है कहाँ से आपका, पैनक्रियाज से। इंसुलिन एक प्रकार का आपका हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। हमारा आमाशय कार्बोहाइड्रेट को रक्त शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक है। कौन करता है, आमाशय, पेट, यानी कि, है ना, जिसको हम आम भाषा में पेट बोलते हैं। इंसुलिन के माध्यम से यह रक्त शर्करा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं, ठीक है, इसमें कितनी होती हैं आपकी, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से क्या होती हैं आपकी, इसमें कोशिकाएं होती हैं। ये जो बीटा कोशिकाएं होती हैं ये रक्त में इंसुलिन को छिड़कती हैं, ये रक्त में इंसुलिन को छिड़कती हैं। चलो भाई, बल के मात्रक, ठीक है, बल का मात्रक पूछा गया था आपका कौन है भाई, न्यूटन। अदर में यहाँ पर कुछ आपकी यूनिट्स हैं जो कवर की गई हैं, जो आपकी चांसेस हैं एग्जाम में पूछे जाने के, क्या क्या है, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, आयतन का घर आपका घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम पर घन मीटर या मीटर क्यूब भी बोलते हैं, बल का न्यूटन, ठीक है। और न्यूटन की जगह एक और चीज आपकी यहाँ पर लिखी आ सकती है, क्या आ सकती है भाई, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका, एम ए, ठीक है। तो एम ए का कितना हो गया आपका, किलोग्राम हो गया, ठीक है। और ए का आपका क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर आपका कितना होता है ये, सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वी अपॉन टी, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बात है। देखो भाई, ए इज इक्वल टू कितना होता है आपका, वी अपॉन टी, और वी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, डी अपॉन टी, यानी वी की यूनिट आपकी क्या बनी भाई, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये जब इसको वी को उठा के यहाँ रखोगे मीटर पर सेकेंड, तो यानी एक और सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट आपको ना याद करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला पता है, आपका बेसिक स्ट्रोंग है, यूनिट आप अपने आप निकालोगे पेपर में। यूनिट वाले क्वेश्चन तो आपके यूनिट हो गए, आपके वेक्टर हो गए, आपकी जितनी अदिश और सदिश राशियां होती है, ये सब आपको रटने वाली जरूरत ही नहीं है, ये सब आपके सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं। आपको अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है आप ये निकालोगे, वी इक्वल्स टू डी बाई टी मीटर पर सेकंड, ए इक्वल्स टू वी बाई टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उठा के रख दो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं एक बार जरा हम। आ जा यार, जो आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कब हुई थी, 1931 में, वो कब हुई थी भाई आपकी, 1931 में हुई थी, क्या आपकी सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है ये, आ जा भाई, कहाँ चला गया, क्या दिक्कत हो गई तेरे को। जो आपकी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कब हुई थी, 1931 में हुई थी, ठीक है, कब हुई थी, 7 सितंबर 1931 में, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही था, यह सम्मेलन भी आपका कहाँ था, लंदन में ही था। अगला क्वेश्चन है, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत, राज्यपाल कौन है, भगत सिंह किश्योरी, राज्यपाल कौन है, भगत सिंह किश्योरी। भाई आपके आपके कल और आज के पेपर में जितने भी एग्जाम आए थे वो सारे हो चुके हैं कंप्लीट। अब पूछ लो भाई किसका क्या डाउट है, अब पूछ लो किसका क्या डाउट है। पूछो भाई अब डाउट आप, अब मैं आप लोगों के कमेंट ही देख रही हूँ। हाँ जी मैम, आपको एग्जाम के क्वेश्चन कैसे भेज सकते हैं, कौन से एग्जाम के क्वेश्चन भेजना चाहते हैं आप, अमित कुमार जी।
मैम टेरिडोफाइटा क्या है? अच्छा भाई टेरिडोफाइटा क्या है आपका? टेरिडोफाइटा आपका जो बोटनी वाला यानी कि जो प्लांट किंगडम है उसका आपका एक टाइप है, और ये आपके ऐसे प्लांट होते हैं जो आपके मतलब जिनके अंदर आपके वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में क्या होता है, इसमें ना ही तो आपके फ्लावर होते हैं, ना ही आपके क्या होते हैं सीड्स होते हैं, और क्या होता है इसमें ये इसको हम इसलिए कौन से वाले पार्ट में रखते हैं, क्रिप्टोगैमस वाले। किसमें? क्रिप्टोगैमस वाले। मैंने आपकी पूरी एक आपकी क्लास लगाई हुई है पूरे आपके प्लांट किंगडम की, प्लीज वो देख लेना। उसमें टेरिडोफाइटा आपके जितने भी होते हैं क्रिप्टोगैमस, ठीक है, आपका एंजियोस्पर्म जो भी कुछ होता है वो मैंने सब कुछ कवर कराया गया हुआ है, ठीक है जी। गुड नाइट मैम जी, गुड नाइट जी। इन सब की आपकी पीडीएफ अभी आपके चैनल आप लोग ज्वाइन कर लें, जीएस विद करण चौधरी चैनल ज्वाइन कर लें आप लोग टेलीग्राम पर, वहां पर मैं डेली पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। बता दिया प्रदीप कुमार जी, टेरिडोफाइटा किसे कहते हैं? नहीं मैं बिल्कुल आपको ठीक बता रही हूँ, 0/0 का कुछ भी आंसर नहीं होता है, 0/0 का कोई आंसर नहीं होता है, बता चुकी हूं मैं आपको। ओके यू जस्ट वॉन्ट टू से कि अच्छा ये कहना चाह रहे हो आप। हाँ भाई एक्चुअली पता है क्या, साइंस में एक चीज होती है, जैसे ये माना जाता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है वो किसने दी थी आपकी, जो आपके मतलब पाइथागोरस साइंटिस्ट थे, लेकिन ये माना जाता है कि वो यहीं से आपकी गई थी, कि जो हमारे पुराने टाइम में जो हवन हुआ करते थे उनका जो हवन कुंड होता था, जो हवन कुंड होता था उसको हम राइट एंगल की शेप में बना के रखते थे, ठीक है, उसको हम राइट एंगल की शेप में बनाते रहते। तो ये भी बोला जाता है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका जो बेस है वो आपका इंडिया से है, ठीक है, लेकिन जिसने इन्वेंट कर दी, जिसने उसकी थ्योरी दे दी, उसी को उसका क्या मान लेते हैं हम, उसको उसी को हम उसका क्या मान लेते हैं भाई, उसको कि भाई उसने खोज की थी तो वही उसका क्या है भाई, आविष्कारक है, सिंपल सी बात है, ये मान लेते हैं हम। साइंस का क्लास कब चलता है? साइंस का क्लास आपकी साइंस का क्लास भाई आपका अभी तो एनटीपीसी क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपके, जैसे ही एनटीपीसी वाले एग्जाम खत्म हो जाएंगे साइंस की क्लास करनी शुरू हो जाएगी। 15 तारीख से आपका बैच आ रहा है और 8 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। भाई भार और बल का मात्रक इसलिए समान होता है क्योंकि द्रव्यमान को आप किससे करते हो, आप त्वरण से मल्टीप्लाई करते हो। फर्क सिर्फ कितना है भाई, जरा दिमाग लगाना थोड़ा सा, फर्क सिर्फ कितना है आपका भाई, एफ इजिकल्स टू एम है या एम ए है वहां पर आपका, और एफ इजिकल्स टू कितना है वहां पर आपका, एम जी है, ठीक है, ये आपका डब्ल्यू इजिकल्स टू एम जी है और ये आपका एफ इजिकल्स टू एम ए है, या यहाँ पर ये आपका क्या है ग्रेविटेशनल, आपका क्या है भाई ये आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यानी कि गुरुत्वीय त्वरण है, और ये यहाँ पर आपका नॉर्मल त्वरण है, बस ये है इसलिए होता है भाई। आप यूनिट निकाल के देख लो सेम ही आएंगे। मेरी आपको ये स्पीड मतलब ज्यादा लग रही है, इससे ज्यादा स्लो पढ़ाऊंगी तो बेटा बहुत, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि जिनकी साइंस स्ट्रीम रही है उनको तो फिर क्या ही मतलब, उनको लगेगा बहुत स्लो, मुझे तो लगता है बहुत स्लो पढ़ाती हूँ आपको। फिजिक्स का क्लास कब होता है? भाई फिजिक्स का क्लास होगी आपकी, सब चीज की क्लास होती है, क्यों नहीं होती, फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है और बायोलॉजी भी होती है। मैम चैप्टर वाइज पेड कोर्स कब आएगा? भाई 15 जनवरी को आपका पेड कोर्स आएगा चैप्टर वाइज, और 8 जनवरी से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। क्या है आपका, बताओ क्वेश्चन क्या है आपका, आपका नाम एक्चुअली बताए, पहली बात तो ना आप लोग अपना एकदम बिल्कुल मतलब शरीफ सराफत वाला नाम लिखा करो। आधे बच्चों के कमेंट तो ना मैं जानबूझ के इसलिए नहीं पढ़ती कि अजीब अजीब से नाम लिखे होते हैं, कि भाई क्या ही कमेंट पूछेगा, नाम ही ऐसा रखा हुआ है। बोलो भाई ये आपका क्या है, एल्बर्ट जी आपका क्या डाउट है, पूछो भाई क्या डाउट है। हुकूमत वही करता है जिसका दिलों पर राज होता है, वरना यूं तो गली के मुर्गों के सिर पर भी ताज होता है। अच्छा जी ठीक है, ताज होता है क्या गली के मुर्गों पर, ताज बोलते हैं आप उसको? यार उनकी वो तो फिजिक है, भगवान ने ऐसा बनाया है उनको फिजिक है, वो तो उनकी ताज थोड़ी ना है यार।
क्या बोल रहे हो आप? नहीं भाई, 1924 नहीं है, 1931 है, आप चेक कर सकते हैं, 1931 है। मैम जी कैसे ज्वाइन करूं भाई? आप सब लोग जितने भी बच्चे फिलहाल लाइव हैं, आप लोग प्ले स्टोर से जाकर मोबी शिक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। आप प्ले स्टोर पर जाओ और मोबी शिक्षा एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगर आप देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो और वहां पर आपको 8 जनवरी से अभी आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। एक बैच कंप्लीट हो चुका है बट रजिस्ट्रेशन उसमें भी आपके ओपन है। तो अगर किसी बच्चे को ये है कि भाई मेरे को तो बहुत जल्दी आपका अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, तो वो इस बैच को परचेज कर सकता है। जिसको ये है कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल ही एकदम डिटेल में पढ़ना है, हर चीज स्टार्टिंग से लाइव बैठ के पढ़नी है, तो वो भाई 8 जनवरी से खुद को एनरोल करना शुरू करा दें। मैम मेरा नो को एनटीपीसी का एग्जाम है, ऑल द बेस्ट भाई। जिस जिस का एग्जाम है सभी को ऑल द बेस्ट। नितिन तोमर जी, अभी तो मैं आपको ऑनलाइन ही पढ़ा रही हूँ। फीस क्या है भाई? फीस आपकी 499 है। फीस क्या है आपकी? 499 है। मैम आप एमपी एमपी पीएससी के लिए कुछ टिप्स बताइए, वो वीडियो अच्छी थी। अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू। जिस जिसको वीडियो अच्छी लग रही है ठीक है, कोई टिप्स क्या बतानी है भाई? एमपी पीएससी के लिए मैं आपको टिप्स ऑलरेडी चैनल पर बता चुकी हूँ। कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने जो आपकी मैपिंग वाली क्लास कराई है ना, बिहार और एमपी मैपिंग वाली जो क्लास कराई है, उसमें आप स्टार्टिंग में देखो, सारे स्टार्टिंग की वीडियो से मैंने आपको आपका जो सिलेबस है उसकी आपकी वेटेज ही बताई है कि ये सब्जेक्ट आपका इतने नंबर का आता है। ठीक है, ये मैंने वहां पर आपका डिस्कस किया हुआ था। मैम आपके आशीर्वाद से इस बार राजस्थान पुलिस में चयनित हो गया हूँ। ओके कॉन्ग्रेचुलेशन कमल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। नहीं पीसी में नहीं होगा डाउनलोड, सिर्फ आपका मोबाइल एप्लीकेशन है। योर वर्क इज योर वर्क इज जस्ट अमेजिंग। ओके थैंक यू। अरे मैथ्स तो आएगी ही भाई, क्यों नहीं आएगी? मैम आपकी एज क्या है? आपको क्या करना है बच्चा मेरी एज का, आप ये बताओ। मतलब मेरी एज का आपको क्या करना है भाई? सिंपल सी बात है, फोकस करो अपने कंटेंट पर। मैम हमको आपका बैच परचेज करना है एसएससी के लिए। भाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार। 8 तारीख तक का वेट कर लो, 8 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग जल्दी से जल्दी एनरोल करा लेना। ठीक है, जितनी जल्दी एनरोल करा लोगे उतनी जल्दी क्लासेस बैच स्टार्ट हो जाएगा। मैम मेरा जवाब दीजिए। मनीष सिंह जी क्या है आपका क्वेश्चन, ये पूछो पूछो भाई। अब मैं 10 मिनट आप लोगों को दे रही हूँ, आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ूंगी मैम। मैम आपने एमपी जी के बहुत शानदार पढ़ाया है, थैंक यू जी, थैंक यू अमित जी। विपुल शंकुला जी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी जो मैंने यूट्यूब पर पढ़ाया है बेटा, बेटा एक बार आप सर्च कर लो यूट्यूब पर चैनल पर, मेरी आपकी एमपी मैपिंग की, बिहार मैपिंग की, यूपी मैपिंग की क्लास पढ़ी है, आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी। यू हाउस गेट, पता नहीं क्या लिख रहा था कोई बच्चा, सेफ स्कोर फॉर आरआरबी एनटीपीसी। भाई कम से कम 80 से 85, कम से कम 80 से 85 नंबर, कम से कम बता रही हूँ मैं आपको, 80 तो मिनिमम है। मैम बैच तो बहुत सस्ता है। अच्छा थैंक यू जी, चलो कोई बात नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल हो सके, सब लोग इसको मतलब खरीद सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसलिए कम रखी है। ठीक है भाई, देखो सीएचएसएल, आप लोगों को लग रहा है कि सीजीएल का अलग बैच हो जाएगा, सीएचएसएल का अलग बैच हो जाएगा। मेरा सिंपल सा फंडा है कि भाई मैं जो अपना बैच लेके आती हूँ, मेरा टारगेट होता है कि जो भी एग्जाम, अब देखो सिंपल सी बात है, आपका यूपीपीसीएस का एग्जाम हुआ, वहां पर साइंस के क्वेश्चन आ गए, ठीक
ठीक है, आप लोगों का एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, नॉट अ सिंगल वन क्वेश्चन की जो मैंने ना कराया हो यूट्यूब पर, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन कराए हुए आए हैं। ठीक है, ज्योग्राफी अभी आपको मैंने पूरी पढ़ाई भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो बच्चे एग्जाम देके आ रहे हैं ज्योग्राफी में, वो सबके सब बोल रहे हैं कि मैम सारे क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पासिस करा दिए, आपको रिवर करा दिए, आपको पूरा हिमालय करा दिया, माउंटेन करा दिए, आपको जो आपके जितनी भी आपकी जो रिवर प्रोजेक्ट है वो सारे के सारे करा दिए, आपको यूपी बिहार एमपी राजस्थान इन सबकी मैपिंग करा दी, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट करा दिए, इन सबके डिस्ट्रिक्ट करा दिए, मोन्यूमेंट्स करा दिए हैं, ट्राइब्स करा दिए, स्टैटिक जीके करा दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा हो जाता है एक बार में ना, एक मतलब ये खुद ही मतलब वर्ल्ड को छोड़ के एक बार अगर हम कवर करें ना पूरा इंडिया का जो मेजर वाला होता है, सिर्फ आपका एग्रीकल्चर और क्रॉप्स वाले को छोड़कर बाकी बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, रेयर ही कोई क्वेश्चन बचा होगा ज्योग्राफी का भी, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन हिट कर रहे हैं। मैम जी बेस्ट वर्जन, एग्जाम डेट नहीं आई है इसीलिए बताइए ना प्लीज कैसे तैयारी करूं फास्ट एंड बेस्ट। ठीक है भाई, फास्ट एंड बेस्ट का वही तरीका है, जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको डबल स्पीड में देखो, जल्दी कवर हो जाएगा, एक बार में समझना आए तो डबल स्पीड में दोबारा देखो, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि भाई आप लोग अगर पूरी वीडियो को एक साथ देखोगे तो उसमें ना आपको क्या लगेगा, डबल स्पीड में 1 घंटे की वीडियो आधा घंटे में कवर हो जाएगी। ग्रुप डी के लिए कैसे तैयारी करें, जैसे कर रहे हो वैसे ही तैयारी करो भाई, मेरे तैयारी को मत बदलो आप लोग। ठीक है, आप लोग नहीं समझ रहे हो इस बात को कि आने वाला टाइम में वैकेंसीज बहुत कम होती है, जैसे पढ़ रहे हो ना मेहनत के साथ वैसे ही पढ़ो, अब किसी भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ये मत सोचो कि मेरा कौन सा यूपीएससी का एग्जाम है जो मैं इतना पढ़ूंगा, नहीं भाई अब सबका लेवल आपका बहुत अच्छा हो चुका है एग्जाम्स का। ठीक है अमित कुमार जी, 499 में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी पेड कोर्स का बचा बता चुकी हूँ। ठीक है मैम, मेरा एसआई में सिलेक्शन हो गया है, ओके कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। यस मैम आप ठीक कह रहे हो, सारा कराया हुआ आया था, ओके थैंक यू बच्चा। भाई 74 वाले रिस्क पे है, 74 वाले रिस्क पे, 80 वाले सेफ है। जीएस का भरोसा नहीं है मैम कहां से आ जाए, भाई मेरे देखो हर किसी की ना वेटेज आपकी बटी हुई है। ठीक है, तो पढ़नी तो पड़ेगी, ये आपके पास में ऑप्शन है, 100 नंबर का पेपर है। ठीक है, उसमें से मान लिया आपकी 30 नंबर की जीएस आनी है तो पढ़नी तो आपको पड़ेगी, क्योंकि ये अपनी वेटेज लेके बैठी है, तो ये आप इसको छोड़ नहीं सकते, पढ़नी तो पड़ेगी, वो ऑप्शन नहीं है छोड़ने वाला आपके पास। फिजिक्स की प्लेलिस्ट, भाई फिजिक्स की कोई अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनी है, आपकी साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर देख सकते हो वीडियोस। अरे बता चुकी हूँ मैथ्स आती है भाई, मैथ्स आती है, क्यों नहीं आती मैथ्स। मैम मैं दिल्ली पुलिस में जाना चाहता हूँ, ओके ऑल द बेस्ट बेटा विवेक चौधरी, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल जाओ यार, क्यों नहीं जाओगे, अच्छे से तैयारी करो, बिल्कुल क्लियर होगा आपका एग्जाम। बता चुकी हूँ नए बैच की रिगार्डिंग, अब आपके बार बार वही कमेंट आ रहे हैं। ठीक है चलो भाई, आज की क्लास में इतना ही था, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।